झांसी में पिछले कई दिनों से चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि राजघाट कॉलोनी के पास मनोरंजन गृह में कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं। वहीं सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस बताए गए जगह पर पहुंची और दो युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी के मोबाइल और जेवरात बरामद हुए। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। देखिए, ये एक अंतरप्रांतीय, यहाँ पर क्योंकि मध्य प्रदेश से सीमाएं सटी हुई हैं और तमाम अपराधियों के गैंग ऐसे पकड़े जा रहे हैं जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है और वो मध्य प्रदेश के भी अन्य जनपदों में, दतिया में, शिवपुरी में और निवाड़ी में भी तमाम आपराधिक घटनाओं को करना इनके द्वारा बताया गया है। अब हम लोग उस संबंधित जनपदों से संपर्क कर रहे हैं, उनके यहाँ पर उन घटनाओं को तस्दीक करेंगे, उनके वादियों को बुलाएंगे। अभी तक जो सीपरी थाना क्षेत्र की जो 7 मोबाइल हमने कनेक्ट किए हैं और 10 मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं, अभी जनपद के और थानों से भी पता किया जा रहा है, तो काफी संख्या में इन्होंने चोरियां की, अभी निश्चित संख्या बता पाना मुश्किल होगा। पीलीभीत में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। शारदा नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से नदी के किनारे बसे ग्रामीणों में बाढ़ की दहशत साफ तौर पर देखी जा रही है। बता दें कि क्षेत्र में पानी का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों और स्थानीय क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हमारे यहाँ बाढ़ का हर साल पानी आ जाता है, कोई सहायता ना कुछ आज तक मिला नहीं, ना कोई बिजली का, ना कोई पानी का, ना खाना ना दाना। आज तक हमारे यहाँ तक कोई आया करके ये नहीं दे रहा है, खाली बोलता है ऐसो आता है एक बार और ये तहसीलदार आता है, SDM आता है, आके बोलता है जो तुम यहाँ से भागो भागो, हमारी गहरा जो तुम्हारी बल्दी में तुम्हारी ज़मीन दिया जाएगा। अभी तक उसका कोई ज़मीन तैयारी नहीं हुआ। पीलीभीत के कलीनगर में मां की बरसी के दौरान शारदा नदी में स्नान करने गए युवक सुशांत और उसके भाई का पैर फिसल गया और दोनों युवक नदी में डूबने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने एक युवक को बाहर निकाला और दूसरा युवक नदी के बहाव में बहता चला गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। बांधों से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा कम होने से गंगा और रामगंगा के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है। रामगंगा की तेज धारा से अलादपुर, भटौली और कटान ने रफ्तार पकड़ ली है, इससे गांव के लोग काफी भयभीत हैं। वहीं ग्रामीणों ने खुद नाव की व्यवस्था की है और प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। मैं अलादपुर भटौली में रहता हूं और मेरे यहां 4 साल हो गए कटान गांव कटान पे लगा हुआ है, इसके लिए कोई रोकथाम नहीं हो रही। SDM, DM, सिंचाई मंत्री जितने आते हैं देख के चले जाते हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही। बाढ़ के लिए जनपद में जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम बना दिया गया है, इसके अलावा जनपद की तीनों तहसीलों पे कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं, उनमें राउंड द क्लॉक ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। जो बाढ़ चौकियाँ हैं जिनकी संख्या पूरे जनपद में 74 है, उनको भी क्रियाशील किया जा रहा है। इसके अलावा लगातार जो हमारी रामगंगा और गंगा है उसमें जो बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है उस पर लगातार निगाह रखी जा रही है। इस प्रकार जनपद में जो प्राइमरी जो भी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। एक युवक ने खुद को गोली मार ली, जिसके बाद युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं डॉक्टर शिव प्रकाश ने बताया कि युवक को लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हमारे पास मुकेश नाम का, जिसकी उम्र रही लगभग 30-32 साल, कायमगंज CSU से रेफर होकर एक मरीज आया था, और जैसा कि एक रेफर लेटर कायमगंज वाले जो डॉक्टर साहब ने रेफर लेटर भेजा उसमें मेंशन किया है उन्होंने फायर इंजरी है। यहाँ देखने के बाद उसको देखा गया, पूरा एग्जामिनेशन किया गया, उसके लेफ्ट साइड जॉ में सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी और उतना हिस्सा वहाँ से गायब भी था। उसको प्राइमरी पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद, स्टेबल कंडीशन करने के बाद, ब्लीडिंग वगैरह रुक जाने के बाद SFA मेडिकल कॉलेज के लिए, हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया।